بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह सूरतुन निसा आयत नंबर 105 टू 115 तक देखते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما। बेशक हम नाजिल की हमने ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ किताब हक से भरपूर ताकि आप फैसला करें इंसानों के दरमियान उसके मुताबिक जो अल्लाह ने आपको दिखाया, और ना आप हो जाएं खयानत करने वालों के लिए तरफदारी करने वाले। आयत नंबर 106। वस्तग़फिरिल्लाह إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا। اور مغفرت مانگی اللہ سے، بے شک اللہ ہے مغفرت کرنے والا رحم والا۔ آیت نمبر 107۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور نہ تو بحث و مباحثہ کریں ان کے تعلق سے جو خیانت کرتے رہتے ہیں اپنے آپ ہی سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے اسے جو ہو خیانت کرنے والا گنہگار۔ آیت نمبر 108۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ और वो छुप सकते हैं इंसानों से, नहीं वो छुप सकते हैं अल्लाह से, लेकिन वो छुप नहीं सकते अल्लाह से, और वो तो उनके साथ ही होता है यानी अल्लाह जब वो खुफिया मशवरा करते हैं। नहीं राज़ी अल्लाह जिस बात पर, और है अल्लाह जो कुछ वो अमल करते हैं उसका अहाता किए हुए। आयत नंबर 109। أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ها تم وہی ہو جگر चुके तुम उनके ताल्लुक से दुनिया की ज़िंदगी में, फिर कौन झगड़ेगा अल्लाह से उनके ताल्लुक से या उनके बारे में क़यामत के दिन, या कौन होगा उनका वकील। आयत नंबर 110। वमन यअमल सू
أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. और जो अमल करे बुरा या नुकसान कर बैठे अपने आप का ही, फिर वो मग़फ़िरत मांगे अल्लाह से तो वो पाएगा अल्लाह को मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला. आयत नंबर 111. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. और जो कमाए गुनाह या बुरे अमल कर बैठे तो दर हकीकत उसकी कमाई यानी उसकी जो बुराई है, बुरी कमाई है, बुरे अमाल है, उसके नफ्स पर ही उसका जो है वबाल आएगा. और है अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला. आयत नंबर 112. मैं यखसिब खतीअतन औ इस्मन थुम यर्मी बिही बरीअन फकद فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. और जो करे कोई खता या गुनाह फिर वह तोहमत लगाए उसकी किसी बेगुनाह पर तो यकीनन उसने उठाया बोझ बहतान का और कमाया खुला गुनाह. आयत नंबर 113. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. और अगर ना होता फजल अल्लाह का आप पर और रहमत उसकी तो ज़रूर हिम्मत कर ली थी एक ग्रोह ने उनमें से के राह से वो भटका दे आपको, नाउज़बिल्ला. लेकिन नहीं वो गुमराह कर सकते हैं मगर अपने ही आप को, और नहीं वो बिगाड़ सकते हैं आपका ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी. और नाजिल की अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल-किताब और हिकमत, और सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ जो नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे. और है अल्लाह का फ़ज़ल आप पर बहुत बड़ा, सुभानअल्लाह. आयत नंबर 114. ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. नहीं खैर होता है अक्सर उनके राजदार मजलिसों में यानी खुफिया जो मजलिसें करते हैं, बातें करते हैं. हाँ मगर जिसमें जो है वो अगर हुक्म दिया जा रहा है सदक़े का, सदक़े की बातों का, या फिर मारूफ कामों की या इस्लाह की इंसानों के दरमियान, ऐसी बातों के लिए सीक्रेट मीटिंग करना जो है वो खैर होती है उसमें. लेकिन शर्त क्या है? वह मैफ़ल और जो करे ये काम हासिल करने के लिए अल्लाह की रज़ा तो यकीनन हम देंगे उसे बड़ा अज्र. आयत नंबर 115.
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. और जो कट कर चलेगा रसूल से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेगा, इसके बाद के वाज़े हो गई उस पर हिदायत की बातें और वो इत्तिबा करे ईमान वालों के अलावा किसी और के रास्ते की यानी सहाबा के अलावा किसी और की अगर पैरवी करेगा तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं हम फेर देंगे उसे जिस तरफ वो फिरेगा यानी हम पलटा देंगे उसे जिस तरफ वो पलटना चाहेगा और हम दाखिल करेंगे उसे जहन्नम में और बुरी जगह है वो पहुंचने की ना उसको अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिन्हु. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. अगली कुछ आयतों में यानी 105 से तकरीबन जो है 116 या 15 तक एक मामला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ गया था तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई जो अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गाइड किया वो वाकई बहुत काबिले गौर है. क्या मामला था? असल में एक मुसलमान था जिसने चोरी की और उसने क्या किया कि उस कीमती चीज को उसने जो किसी यहूदी के घर पे छुपा दिया. अच्छा, ये सोचकर छुपाया कि अगर मुकदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर समझिए कि महफिल में गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर ये केस गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम है तो वो मेरा साथ देंगे. मगर ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि देखिए कि यहूदी जो था ठीक है कि वो चोरी उसने नहीं की थी उसके बावजूद उसके कबीले वालों ने उसका साथ दिया और मुसलमानों ने मुसलमान का साथ दिया. अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर ये जो केस पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मुकदमे का जो फैसला सुनाने को किए, अब देखिए जाहिरी अगर सबूत को देखा जाए तो यहूदी चोर निकलता है क्योंकि वो चीज उसके घर से मिली थी. तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करने को चाहा तो अल्लाह सुब्हान तआला ने वही के जरिए ये देखी कि तकरीबन दो रुकू तक ही बात गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई अल्लाह सुब्हान तआला ने कर दी. वो क्या बातें थी क्या नहीं थी इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बातें थी वो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله वला तकुल्लिल खाइनीना खसीमा. बेशक हमने नाजिल किया आपकी तरफ ये किताब, आप कहीं से खुद लेकर नहीं आ गए इस किताब को, हमने इस किताब को आपकी तरफ नाजिल किया और वो भी हक के साथ नाजिल किया. चलिए आज इंशाल्लाह इस आयत में हमें कुरान के नुजूल का मकसद पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने किताब क्यों दी है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, ताकि आप फैसला कर दे लोगों के दरमियान इंसानों के दरमियान वो जो अल्लाह ने आपको दिखा दिया था यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि मामला क्या है, चोर कौन है और आप किसके हक में फैसला करने जा रहे हैं. वला तकुल्लिल खाइनीना, और नहीं आप हो जाए खयानत करने वालों के लिए झगड़ालू. तो फिर क्या करें? अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गलती हुई नहीं और अगर होती भी तो अनजाने में होती. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था. कितनी बड़ी दलील है यहाँ पर इस चीज की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था. अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता कि चोर जो है वो मुसलमान में से ही कोई था. तला तला बोल रहे हैं वस्तगफिरिल्लाह,
तो आपसे हल्की सी जो खता हुई है तो आप अल्लाह से मगफिरत मांगे। देखिए ठीक है, बेशक अल्लाह है बहुत बख्शता रहम करता। अब यहाँ पर आगे 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 बातें बताई जा रही है कि मामला हुआ क्या था। हैरत होगी आपको कि देखिए कि जो ये थे यहूदी के साथ जो उसके कबीले वाले थे, वो उन लोगों ने जो है उस वो चोर नहीं था, उसके बावजूद भी उसको कितना साथ दिया उन लोगों ने। यहाँ पे एकता की बात बताई जा रही है, वो क्या था, किस तरीके से था। अल्लाह सुब्हान ताला ने तो वही के जरिए बता दिए, आगाह कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और देखिए कि अगर ये एक गलत फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता अगर अनजाने में, तो ये देखिए कि मुसलमान और आपके जरिए यानी कि ना ये बहुत तकलीफ होती। इस बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती। तो तकरीबन 126 आयत तक जो है ये मसला जो है वो चलता रहेगा। अब बात क्या है, वला तुजादिल, और नहीं आप झगड़े उन लोगों के बारे में वो जो खयानत करते हैं अपने ही आप से। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना खवानन असीमा, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता है किसी भी जो है खयानत करने वाले और गुनहगार को। अल्लाह सुबहान ताला पसंद नहीं करते हैं। तो क्या पता चला कि अगर आपको पता है कि अगला बंदा हक पर नहीं है, भले वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके शौहर हो, आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका साथ मत दीजिए। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा लेसन हमको इन सूरत इस आयतों के जरिए इंशाल्लाह मिलेगा। यस्तखफून मिन्नासी, अल्लाह तआला बोल रहे वो सब छुप जाते हैं लोगों से और नहीं वो छुप सकते हैं अल्लाह से। डेफिनेटली ये सोच हमें रखनी चाहिए, मैं चोरी कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, चलो ठीक है मैं लोगों से छुप छुपा के मैंने चोरी कर ली, लेकिन अल्लाह तआला बोल रहे हैं मुझसे कोई छुप नहीं सकता। वहुवा माहुम, और वही उनके साथ होता है जब वो रातों को सरगोशी करते हैं। किस बात की सरगोशी करते हैं, यानी रातों को जब वो अपने घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में बात करते हैं तो माल या दुआ मिनल कौल, जो नहीं वो पसंद करते हैं कोई बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात अगर उन्हें नहीं पसंद आती थी, वही बातें वो रातों को बैठ कर छुपके छुपके करते थे। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। देखिए तौहीद पर रहने की वजह से, किताब और सुन्नत पर रहने की वजह से आपको जो लोग पसंद नहीं करते वो आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीमागोइयां करेंगे, आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी बातें वो करेंगे। अल्लाह ताला बोले कोई बात नहीं, वकान अल्लाह भी मैं आमलूना मोहित, और अल्लाह ताला है उन तमाम इल्म को, उनके बातों को, अल्लाह सुबहान ताला उनके अमल को जो है वो घेरे हुए है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह सुबहान ताला ने उसको इनकम्पस करके रखा है। अब चलिए आगे क्या बात है, ठीक है। हाँ अंतुम हा उलाई जादल तुम अनहुम फिल हयाती दुनिया, अल्लाह ताला बोल रहे हाँ तुम वही लोग हो, तुम झगड़ चुके हो उन सब के बारे में, तुम झगड़ चुके हो उन सब के बारे में इस दुनिया की जिंदगी में। चलिए यहां पर अपने आप को रख कर देखिए, ठीक है। आज आप रिश्तेदारी के नाम पर, खानदान के नाम पर, कुंबे के नाम पर किसी गलत का आपने साथ दे दिया इस दुनिया की जिंदगी में। यहां पर अल्लाह तआला बोल रहे फिर बताओ जरा, फमय जादिलुल्लाहु अनहुम यौमल कियामा, कौन वो झगड़ेगा अल्लाह से, अल्लाह के पास उनसे कयामत के दिन। ठीक है, यहाँ तो इंसान गुनाह कर कर के जो है वो छुपा लेता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं बताओ कयामत के दिन तुम कैसे बचोगे। कयामत के दिन तो किसी की नहीं चलेगी सिवाय अल्लाह सुभान ताला के, किसी की भी नहीं चलनी है। वहां कौन झगड़ेगा इनके बारे में, सोचिए जरा। अम मैं यकून अलैहिम वकीला, हाँ? या कौन वो उन पर वकील होगा, बताओ। यहाँ तो झूठे झूठे वकील बना लेते हैं, झूठी गवाहियां दिला लेते हैं, और जो बेगुनाह होता है वो तो बेचारा यूं ही मारा जाता है, और गुनहगार जो है वो बचता फिरता है झूठे वकील करके और इस तरीके से। अल्लाह ताला बोले ठीक है, दुनिया में तुम झगड़ लो, झूठ के लिए वकील बना लो, झूठा वकील बना लो, तुम्हारे केस रफा दफा कर लो, जो करना है वो कर लो,
कयामत के दिन तुम्हारी वकालत कौन करेगा, बताओ जरा असल बात क्या है। अब सुभान अल्लाह, आयत नंबर 110 में बता रहे असल बात ये है, वहां किसी की वकालत नहीं चलने वाली, वहां कोई किसी के लिए नहीं झगड़ेगा। तो फिर क्या होगा, होगा क्या, वो यअमल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु, और जो भी वो अमल करेगा बुरे, या उसने जुल्म किया होगा अपने ही जान पर। लेकिन इतना ही नहीं, इतना करने के बाद भी अगर उससे गलती हो गई है, अपने आप को रखिए, मन जहां पर भी आता है अपने आप को रखिए। सोचिए कोई ऐसा लम्हा आपकी जिंदगी में आया हो कि इन आयतों के अगेंस्ट आपने कुछ अमल किया था, कि मैंने किसी का गलत में साथ दे दिया था। अल्लाह ताला बोले कोई बात नहीं, तुम्हें डर लग गया कयामत से, तुम्हें पता चल गया तुमने वो बुरा अमल किया था, किसी के गलत में साथ दे दिया था, और कोई शिर्क कर रहा था उसमें तुमने किसी का साथ दे दिया था, कोई बात नहीं। सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, अल्लाह सुभान तआला ने खोल रखे हैं हमारे लिए दरवाजे। फिर मगफिरत मांग लो अल्लाह से। जब भी तुम अल्लाह सुभान तआला के हुजूर में मगफिरत मांगोगे, यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो डेफिनेटली तुम उसको यानी अल्लाह सुभान तआला को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाओगे। कितनी प्यारी बात है। देखिए आपको भी अगर कोई लम्हा ऐसा याद आ रहा है कि अपने किसी करीबी का आपने बहुत ज्यादा गलत में साथ दे दिया था, किसी की गवाही आपने गलत दे दी थी, होता है अक्सर ऐसा, किसी के झूठ में साथ दे दिया था, कोई गलत था उसका साथ दे दिया था, जानते बूझते कि ये इंसान गलत है, फिर भी आपने उसका साथ दिया। आज के आज अभी आप अल्लाह की महफिल में बैठी है, अभी तवा इस्तग़फ़ार कर लीजिए कि अल्लाह वो फुला दिन मुझसे ऐसी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, और अपने मामले को यही पर अल्लाह सुभान ताला के साथ दुरुस्त कर लीजिए। मजीद आयत नंबर 111 में क्या बताया जा रहा है, वो मैं यक्सी इश्मन, और जो भी शख्स वो कमाए गुनाह, फिर बेशक यक्सिबुहु, वो कमाता है उसको अपने ही नफ्स पर, यानी उसके गुनाह का वबाल उसके ही जान पर आता है। वो ये ना सोचे कि दुनिया में कुछ गुनाह कर करके वो किसी रिश्तेदार को देकर चला जाएगा, अपने बच्चों को देकर चला जाएगा, अपने माँ बाप को देकर चला जाएगा, नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे जो भी वो गुनाह कमाएगा उसका बवाल तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही आने वाला है। क्यों, वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और है अल्लाह खूब जानता हिकमत वाला। सोचे जरा, कोई ना सोचे कि मैंने चिपके चिपके बहुत सारे गुनाह कमा लिए, चलो भाई अब तो किसी को पता नहीं है, फिर भी लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, उसका वबाल तो तुम्हें चखना पड़ेगा। अल्लाह को सब खबर है, उसको सब कुछ पता है। मजीद क्या बताया जा रहा है, आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं, और मैं यक्सिब, हाँ लेकिन जो भी शख्स वो कमाएगा कोई खता, ठीक है, कोई उससे भूल चूक हो गई है, कोई खता हो गई है, या उससे कोई गुनाह हो गया है, और फिर उसके बाद सुम्मा, अच्छा गुनाह तो किया तो किया, खता किया तो किया, फिर उसके बाद यमरी बिही, उसने इल्जाम दे दिया उस गुनाह का, उस खता का, बरी अम फकदिह तमला बुहतान इस्मम मुबीना, उसने उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर दे दिया है, तो फिर दर हकीकत उसका मामला ऐसा है कि उसने उठाया बुहतान, बहुत बड़ा बहुत वाज़े गुनाह उसने उठाया। तो इशारा किया जा रहा है उस केस की तरफ, ये जो मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ गया था कि इसने चुराया था, मुसलमान कौम का वो बंदा चुरा कर यहूदी के घर में इसलिए रख दिया था ताकि इल्जाम इसके ऊपर ही आए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ही जो है वो अगेंस्ट में फैसला कर दे, और मेरे हक में जो फैसला कर दे। उसने ये सोचा था मेरी, मैं इनकी बिरादरी का हूँ, मैं मुसलमान जो है वो ग्रुप से हूँ, तो ये तो मेरी बात मानेंगे, ये उसकी गलत फहमी थी। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं, वलौला फज़्लु वाही अलैका, ये है वो फजल, और अगर नहीं फजल होता वह का आप पर, और अगर उसकी रहमत ना होती, तो डेफिनेटली लहमत तौइफतुम मिनहुम अयुदिल्लुक, तो डेफिनेटली इरादा कर लिया था, हिम्मत कर ली थी एक ग्रुप ने उनमें से
कि वो आपको क्या कर दे, बेहरा कर दे, आपको भटका दे। देखिए जरा, आपको भटका दे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन लोगों ने सोचा कि हम जो है अपने हक में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह सुबहान ताला उनको बता रहे हैं, वमा युदिल्लूना इल्ला अन्फुसहुम, और नहीं वो भटका रहे हैं मगर अपने ही आप को। वमा यदुर्रूनक मिन शय, और ये भी सुन लीजिए, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस आयत से कितना हमको एक धारस मिलती है या एक हमारे अंदर गर्व पैदा होता है। अगर आप हक पर हैं, अगर आपने बुरे का साथ नहीं दिया, तो बुरा करने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चोरी मुसलमान ने की थी, आप इसके ही अगेंस्ट से फैसला सुनाइए, यहूदी के हक में फैसला सुनाइए, आप यहूदी के फेवर में बोलिए, भले वो आपके कुटुंब का नहीं है, आपके कुंबे का नहीं है, आपके ग्रुप का नहीं है, लेकिन आपको जो है इतनी हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप क्यों परेशान होते हो। वानजल्लाहु अलैकल किताब, और नाजिल किया अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल की, और उसने सिखाया आपको जो नहीं आप जानते थे। देखिए ये भी कितनी बड़ी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही चीजें पता थी जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें सिखाई। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये असल बहुत बड़ा फजल है आप पर अल्लाह का। सोचिए यहाँ पर किस फजल की बात चल रही है, कुरान की, हिकमत की। जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान की समझ दे दी, उसकी विजडम दे दी, अल्लाह ताला बोले असल फजल ये है और ये बहुत बड़ा फजल है। आज दुनिया वाले फजल किसको कहते हैं, गाड़ी ले लिए, मोटर ले लिए, बंगला बना लिए, घर बना लिए, फ्लैट ले लिए, उसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा फजल है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला अपने महबूब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं, ये जो किताब मैंने आपको सिखाई, समझाई, पढ़ाई, ये असल मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा फजल किया। देखिए क्या है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं, बस लफ्जी तर्जुमे में ही आपको सारी बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह वाजे हो जा रही है। और यकीन करिए कि इस तरीके से जब मैं तर्जुमा बाकी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे जो है वो कहना चाहिए मालदार अपने आप को समझती हूँ, कि मुझसे ज्यादा मालदार कोई हो ही नहीं सकता। यानी अल्लाह की आयतों को इस तरीके से समझना, इस तरीके से पढ़ना, मामलात हमें समझ आते हैं। और सोचिए चोरी का मामला, कितनी लंबी आयतें इसकी, 105 से 126 तक, सोचने की बात है। यानी इतनी ज्यादा जो है आयतें यहाँ पर बताई जा रही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आगे क्या बताया जा रहा है। हाँ, 133 के बाद 114 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह सूरतुन निसा आयत नंबर 140 देखते हैं इंशाल्लाह। बात इसमें भी जो है वो सब उसी मसले पर चल रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो पास एक केस आया था, ठीक है। अब 114 में अल्लाह सुब्हान तआला क्या बता रहे हैं, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदका औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। कि देखिए जो लोग छुप कर जो है यानी सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं, छुप कर बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे उसमें कोई खैर नहीं है, है ना। छुप छुप के तुम सीक्रेट मीटिंग करो दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, दीनदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसमें कोई खैर नहीं है। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें सीक्रेट मीटिंग करना है तो दो तीन बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि अगर उसके लिए तुम अगर सीक्रेट में मीटिंग करते हो, सरगोशी करते हो, चुपके चुपके बातें करते हो, तो ये जायज है। अब तीन काम क्या है वो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला आयतों में जो बता रहे हैं वो हम देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आयतों के जरिए हमें क्या बताया जा रहा है, नंबर वन जैसे बताया जा रहा है, नहीं है खैर बहुत सी नजवा में, बहुत सी सरगोशी में, मगर मगर जो हुक्म दे सदके का। यानी अगर आप किसी को जो है वो हुक्म दे रहे हैं या आप किसी को बता रहे हैं, यानी कि जिसको दे रहे हैं उसको मतलब कैसा उसको ऐसा ना लगे कि मेरी इज्जत लोगों के सामने खराब होगी, या चुपके से आप दे रहे हैं
हैं, ये इन बातों पर अगर आप जो है वो सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं तो इट्स ओके, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये जायज है, ये आप कर सकते हो कि आप जो है वो सदके के टॉपिक पर कुछ बात कर रहे हो चुपके चुपके कि मुझे किसी को देना है, मैं सबको बताकर नहीं दे सकती, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा, यानी इस तरीके की बातें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो या तो फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कौन सी बताई जा रही है कि जैसे कि मारूफ री, दूसरी बात मारूफ यानी भलाई के कामों की अगर कोई बात है नेकी की बात अगर कोई की जा रही है, तो यानी कि जैसे आप किसी को बोल रहे हो देखो भाई मैं ये नेकी का काम कर रहा हूँ, तुम किसी से कहना नहीं, किसी को बताना नहीं, तो ऐसे अगर ये बात है तो भी आप सीक्रेट मीटिंग कर सकते हो। हर किस्म की नेकिया काम इसके अंदर शामिल है। और इस्लाह बैन नास के बारे में जैसे कि मशवरे, और लेकिन आप किसी को मशवरा दे रहे हो, लोगों में जो है वो फैसले करवा रहे हो, तो ये लेकिन शर्त क्या है, ये खैर की बातें हो, शर की बातें ना हो, फितने फैलाने वाली बातें ना हो, तो ये जायज है, ये कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें भी शर्त है। ये तीन काम तो है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला जो है इसमें भी आपका मकसद देखेंगे। मकसद क्या हो, ये काम भी अगर कोई सीक्रेट मीटिंग लेके कर रहा है, और जो भी शख्स ये करे ये काम, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद ये हो कि वो चाहता है अल्लाह की रजा। आई बात समझिए, असल चीज क्या है कि क्योंकि क्यों क्यों अल्लाह की रजा, इसलिए कि देखिए इखलास, इखलास क्या होता है, यानी अल्लाह की रजा, यानी इन तमाम कामों के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रजाए इलाही होना चाहिए। अगर इखलास नहीं होगा तो बड़े से बड़ा अमल भी ना सिर्फ वेस्ट हो जाएगा बल्कि वबाल बन जाएगा। यस डेफिनेटली, उसके जान का वबाल बन जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर वो ये सब अल्लाह की रजा के लिए करता है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फसौफनुती ही अजरन अवीमा, उसे हम यकीनन बड़ा सवाब देंगे। ये क्या बात हो गई, हदीस में देखिए आमाल जो भी यहाँ पे ऊपर बताए गए ना, इसकी बहुत फजीलत आई है। जैसे कि अल्लाह की राह में हलाल कमाई से, है ना एक हदीस की, अल्लाह की राह में अगर हलाल कमाई की एक खजूर के बराबर भी सदका किसी ने दिया है तो अल्लाह सुबहान ताला उसको जो है उहद पहाड़ के जितना जो है वो कर देंगे, सुबहान अल्लाह। फिर उसके बाद नेक बात की भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह नेक बात है नहीं, इसी तरह देखिए रिश्तेदारों, दोस्तों और आपस की नाराजगी, दीगर जो भी ऐसी बातें होती है, फिर लोगों के दरमियान सुलह करा देना। आपको पता है कि दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप उसमें जो है वो सुलह करवा दीजिए, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दीजिए, ये भी बहुत बड़ा अमल है। एक हदीस में इसे जो है वो नफली रोजों, नफली नमाजों और नफली सदकात व खैरात से भी अफजल बताया गया है। और क्या है वो, आपस में किसी के बीच में अगर ना इत्तेफाकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको दुरुस्त करवा दीजिए, जिसको कहा जाता है सुला रहमी, ठीक है। कतर रहमी का हमें हुक्म नहीं दिया गया है बल्कि हमें रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखिए कि यहाँ तक कि सुलह कराने वाले को झूठ तक बोलने की इजाजत दे दी गई है, ताकि उसे एक दूसरे के करीब लाने के लिए जो है वो अगर झूठ भी बोलना पड़े कि अरे नहीं नहीं भाई वो आपके बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं, और भले वो करता भी हो, लेकिन हमें जो है एक यहाँ पे सिर्फ एक झूठ बोलने की इजाजत इस तरीके से कि अगर लोगों में मनमुटाव हो गया है या लोगों के बीच में ना इत्तेफाकियां हो रही है, तो आप उनके बीच में सुलह कराने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये अच्छा, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए अच्छी बात फैलाता हो, अच्छी बात करता हो। ये जो है अबू दाऊद की जो है वो हदीस है। तो यानी देखिए कि अल्लाह का शुक्र है कि, और अल्लाह तआला से दुआ करिए कि अल्लाह तआला हमें लोगों को जोड़ने वालों में से बनाए, ना कि रिश्तों को तोड़ने वालों में से बनाए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात थी, इसमें भी हमारे लिए अमल की यही बात हमें लेना है कि अगर आपको छुपके छुपके किसी से बात करनी पड़ जाए तो ये तीन काम के अलावा और बातें मत बात करिए। अच्छा चलिए, उसके बाद क्या बात बताई जा रही है कि
कि जो भी शख्स वो अगर वो उसने मुखालिफत की, वो खिलाफ गया और रसूल के यानी रसूल के उसके बाद जो जाहिर हो गया उसके लिए हिदायत, और वो पीछे चलता रहा ईमान वालों के अलावा किसी और के रास्ते पर। इस आयत को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जो लोग बोलते हैं ना, अरे हम दीन में ये कर रहे हैं तो क्या हर्ज है, क्या हो जाएगा, क्या बुरी बात है, तो उन्हें ये आयत बताइए, सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 बताइए। तुम्हें ऐसा लगता है कि अज़ा और अल्लाह उसके रसूल का और सहाबा का रास्ता छोड़ के तुम किसी और रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें निजात मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। बल्कि अल्लाह सुबहान तआला बहुत ही क्लियरली इस बात को बोल रहे हैं कि वो लोग जो वो अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करते हैं उसके बाद कब, दे नो कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना है और उसके अलावा वो लोग ईमान वालों के अलावा किसी और के रास्ते पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला बोले इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नुवल्लिही मा तवल्ला। बहुत खौफ आना चाहिए, पता है आपको, इस आयत पर, आयत के इस टुकड़े पर तो इतना खौफ आना चाहिए ना। अच्छा बोले कोई बात नहीं, हम भी उसको उधर ही छोड़ देंगे, हम भी उसको उधर ही पलटा देंगे जिधर वो पलटना चाहता है। कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। देखिए ये अल्लाह सुभान ताला ने इंसान की साइको को बयान किया है यहाँ पर। इंसान जिस तरह पलटना चाहता है अल्लाह सुभान ताला उसको उधर ही पलटा देते हैं। और आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को, इवन खुद पर भी इस चीज को आपने प्रैक्टिकली किया होगा कि देखिए इस ये वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं और आप अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस वक्त अगर मैं ये कोशिश करती कि इस वक्त मैं दूसरा कोई काम कर लूं, मैं सो जाऊं या मैं ये कुछ और काम कर लूं, मैं थोड़ा घूम लूं फिर लूं, तो डेफिनेटली मैं घूमने फिरने के लिए कोशिश करती तो मैं घूमने फिरने चली जाती। लेकिन मैं जो है अभी देखिए कि अभी भी जस्ट अभी भी घर की कुछ ग्रोसरी लेनी थी तो जस्ट अभी मैं बाजार से, और मैंने रास्ते से ही आपको कॉल कर दिया था कि नहीं आपका कॉल लगते लगते कनेक्ट होते होते उतना टाइम लग जाता है। और चक्की पे गेहूं देना था कि रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था तो वो देने के लिए चली गई थी मैं कि नहीं अभी मुझे परेशानी हो जाएगी। तो ये देखिए कि और मैं चाहती तो मस्त और डिले करती करती मस्त मैं 8 बजे वापस आती और क्लास ही नहीं लेती। नहीं, मुझे तो ये था कि नहीं कल की क्लास मिस हुई तो आज मुझे मिस नहीं करना है। तो ये नहीं, ये देखिए कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं जहां तुमको पलटना है मैं वहीं पे तुमको पलटा दूंगा। ठीक है, पलटो जिधर पलटने का, नुफली ही जहन्नम, और हम उसको जहन्नम में डाल देंगे। वसाअत मसीरो, और वो बहुत बुरी जगह है। सोचिए जरा, यानी क्या पता चला कि हिदायत की तरफ आना या गुमराही की तरफ जाना अल्लाह सुभान ताला ने इंसान को चॉइस दे दी है। और कोई अगर देखिए आप किसी के पीछे पड़ी हैं कि इसको हिदायत मिल जाए, ये भी आपकी तरह अल्लाह के कलाम को समझने लगे, आपकी बहुत हर दर्जा कोशिश के बावजूद बंदा नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो खुद पलटना नहीं चाहता है। इस वजह से अल्लाह सुभान ताला ने भी उसको अभी तक पलटने की तौफीक नहीं दी है। ये बहुत गहरी बात है अगर इंसान सोचे तो। अव्वा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अव्वा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अव्वा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वसत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता फरमा और मुझे
हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता करना। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ए अल्लाह, इन दुआओं के साथ मैं सच दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.